मैं सोनम बामनिया आप सभी विद्यार्थियों को आज बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम पिस्टल के पार्ट्स के बारे में, स्टेमेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेसेंटेशन होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, स्टाइल क्या होती है एंड स्टिग्मा क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा मार्जिनल है, फिर बेसल है, उसके बाद एक्साइल है, फिर प्री सेंट्रल है, इसके बाद आपको पैराइटल और सुपरफिशियल। इस तरह से आपको छह प्रकार के बीजांड न्यास दिखाई दे रहे हैं। तो अंडाशय के ऊतक जिस पर बीजांड लगे हुए रहते हैं उसको हम बीजांडासन कहते हैं तथा बीजांडों को हम बीजांड न्यास कहते हैं। कुल मिला के अंडाशय में बीजांड जिस क्रम में अपने बीजों को रखते हैं या बीज जिस तरह से बीजांड में लगे रहते हैं उस व्यवस्था को हम बीजांड न्यास कहते हैं या प्लेसेंटेशन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से छह प्रकार के प्लेसेंटेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो बीजांड न्यास है वो है मार्जिनल प्रकार का बीजांड न्यास। मार्जिनल प्रकार का बीजांड न्यास जो होता है मटर कुल के या लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में देखने को मिलता है। और इस तरह के बीजांड में अंडक के दोनों किनारों के जोड़ पर बीजांडासन लगे होते हैं और ये सबसे सरल प्रकार का होता है। आप देखेंगे कि फली के अंदर जो मटर है वो इसी तरह से लगी हुई रहती है किनारे पर और वो होता है मार्जिनल। इसमें ये सबसे सरल प्रकार का और इसमें एक कोष्ठकीय एक अंडपी जायांग मिलता है। तो हमने देखा है कि मटर किनारे पर लगी रहती है फली के किनारे पर। दूसरे प्रकार का जो बीजांड न्यास होता है वो है बेसल प्रकार का बीजांड न्यास। बेसल प्रकार का जो बीजांड न्यास है या आधारीय प्रकार का जो बीजांड न्यास है वो बीजांड न्यास हमें सूरजमुखी कुल के पादपों में देखने को मिलता है। और इसमें भी एक कोष्ठकीय अंडाशय के पुष्पासन के उभरे हुए भाग पर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो आधारीय बीजांड न्यास है वो सूरजमुखी कुल या एस्ट्रेसी कुल या कंपोजिटी कुल के पादपों में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो बीजांड न्यास है वो है अक्षीय प्रकार का या एक्साइल प्रकार का। अक्षीय एक्साइल प्रकार का बीजांड न्यास हमें गुड़हल और यूफोर्बिया कुल के प्रकार के पौधों में देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें अक्ष होती है और बीजांड की जो स्थिति वो अक्षीय होने की वजह से उसमें केंद्रीय अक्ष पर अंडकों की भित्ति की जुड़ने के स्थान पर बीजांड लगे रहते हैं और इसमें अक्ष बन जाती हैं और इसीलिए इसको हम एक्साइल या अक्षीय प्रकार का बीजांड कहते हैं, बीजांड न्यास कहते हैं। और यह गुड़हल और यूफोर्बिया में देखने को मिलता है। चौथे प्रकार का जो बीजांड न्यास है फ्री सेंट्रल प्रकार का बीजांड न्यास या मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास, यह बहुवंडपी होता है। एक कोष्ठकीय जायांग में बीजांड मध्य अक्षीय स्तंभ पर पाए जाते हैं और इस अक्ष का जो अंडाशय भित्ति से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह का जो इसीलिए इसको हम फ्री सेंट्रल कहते हैं क्योंकि अंडाशय भित्ति से इसका कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। तो डायएंथस, प्रेमुला, इनमें इस तरह का फ्री सेंट्रल प्रकार का बीजांड न्यास देखने को मिलता है। फिर है भित्तीय प्रकार का बीजांड न्यास। माफ़ करिएगा, प्लेसेंटेशन तो मैंने लिखा है लेकिन मैं बीजांड ही शब्द लिख कर छोड़ दिया, ये बीजांड न्यास शब्द है। और हम बीजांड न्यास के यानी प्लेसेंटेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं।
भित्तीय प्रकार का या पेराइटल प्रकार का जो पांचवा हमारा प्रकार है वो ब्रैसिका या कुकुरबिटा यानी ब्रैसिकेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। और इस तरह का जो बीजांड है, इस तरह के बीजांडयुक्त बीजांडासन में बहुअंडपी जायांग होता है और उस जायांग के एक कुष्ठ की अंडाशय में अंतभित्ति पर ही जो है बीजांड लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हमने कुकुरबिटेसी और ब्रैसिकेसी फैमिली में भित्तीय प्रकार का पेराइटल प्रकार का देखा है। आप देखिए कि इसमें किनारों पर ही जो है आपकी बीजांड लगे होते हैं और ये अंडाशय में अंतभित्ति पर उत्पन्न होते हैं। धरातलीय या सुपरफिशियल प्रकार का जो बीजांडन्यास है, इस तरह के बीजांडन्यास में बीजांड बहुकोष्ठ किए, आप देख रहे हैं कि नींबू में बहुत सारे कोष्ठक मिलते हैं और संतरे में भी इसी तरह के यानी हेस्पिरिडियम टाइप का जो फल है उसमें बहुत सारे कोष्ठक मिलते हैं और उनके अंदर बीज लगे रहते हैं। तो इस तरह के बीजांडन्यास में बीजांड बहुकोष्ठ किए, बहुअंडपीय, जायांग की एक विभाजन भित्ति आपको दिख रहा होगा कि इसमें लाइनें बनी हुई हैं चक्र या पहिए के जैसा, ये दिख रहा है नींबू बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि नींबू और संतरा। तो रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में ये आपको देखने को मिलता है जो सुपरफिशियल प्रकार है। तो इस तरह से बीजांडन्यास के 6 प्रकार हुए, सीमांत यानी मार्जिनल, आधारीय यानी बेसल, अक्षीय एक्साइल, मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल, भित्तीय यानी पेराइटल और धरातल यानी सुपरफिशियल प्रकार के बीजांडन्यास। अब हम इसके बाद बात करते हैं बढ़तिका की। बढ़तिका यानी कि स्टाइल। हम जानते हैं कि पुष्प का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है वो जायांग होता है और जायांग में जो जायांग की जो इकाई होती है उसे हम अंडप कहते हैं। एक अंडप में एक अंडाशय, बढ़तिका और बढ़तिकाग्र होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अंडप के ही एक भाग बढ़तिका की। तो बढ़तिका कितने तरह की बढ़तिकाएँ हैं, तो जायांग के अंडाशय और बढ़तिकाग्र के बीच के भाग को हम बढ़तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और यह बढ़तिकाग्र को अन्य पुष्पीय अंगों से ऊपर उठाकर परागकण प्राप्त करने में सहायता करती है क्योंकि ये उसकी लंबाई बढ़ाने का काम करती है। और ये 3 प्रकार की हो सकती है, अग्रस्त बढ़तिका यानी टर्मिनल स्टाइल जो कि गुड़हल में देखने को मिलती है और ये सबसे सामान्य प्रकार की बढ़तिका होती है, सबसे सिंपल प्रकार की बढ़तिका होती है। इसमें अंडाशय और बढ़तिका एक सीधी रेखा में मिलते हैं। आपने देखा होगा कि एक पुंकेसरी नाल बना लेते हैं गुड़हल में, मालवा में, तो ये अग्रस्त प्रकार की बढ़तिका उनमें देखने को मिलती है। दूसरी है पाशर बढ़तिका यानी लेटरल स्टाइल। ये बढ़तिका जो है वो बढ़तिका अंडाशय के बगल के भाग से पैदा होती है, साइड से पैदा होती है। तीसरा है जायांग नाभिक बढ़तिका यानी गायनोवैसिक स्टाइल बढ़तिका। गायनोवैसिक स्टाइल जो प्रकार है यह तुलसी यानी लेमिएसी या लेबिएटी कुल के पादपों में पाया जाता है। इनमें बढ़तिका सीधे ही पुष्पासन से या अंडाशय के बीच में से गर्त से उत्पन्न होती है। तो आप देख सकते हैं इनके चित्र, टर्मिनल प्रकार की जो बढ़तिका है जो कि गुड़हल में देखने को मिलती है, इसमें जो मतलब अंडाशय और बढ़तिका बिल्कुल एक सीध में आपको दिखाई देंगे। लेटरल प्रकार की जो बढ़तिका है वो बढ़तिका अंडाशय के बगल से यानी पाशर्व से निकलती हुई आपको दिखाई देगी, आप बी चित्र में इसको देख सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका गायनोवैसिक स्टाइल। गायनोवैसिक स्टाइल में बढ़तिका सीधे ही पुष्पासन से या अंडाशय के बीच में से गर्त से पैदा हुई दिखाई देगी। तो ये तो 3 प्रकार हो गए, टर्मिनल, लेटरल एंड गायनोवैसिक स्टाइल। इसके बाद हम बात करते हैं बढ़तिकाग्र की। बढ़तिकाग्र क्या होता है, तो बढ़तिकाग्र भी अंडप का ही एक भाग है क्योंकि
जायांग अंडपों से मिलकर बना है, अंडप अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बने हुए होते हैं, और वर्तिकाग्र वह भाग होता है जहाँ पर कि परागकण प्राप्त किए जाते हैं, और ये वर्तिका का शीर्ष भाग होता है जिस पर परागकणों की प्राप्ति होती है, उसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र के 5 प्रकार हैं। पहला रोमुंड कैपिटेट, जो कि लेथाइरस प्रकार का होता है, और इस तरह की जो वर्तिकाग्र होती है वो गोल होती है। रोमुंड कैपिटेट शब्द हमेशा एक मुंड नुमा स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है, तो ये लेथाइरस में देखने को मिलता है। दूसरी है चक्रक प्रकार की या डिस्कॉइड वर्तिका। डिस्कॉइड प्रकार की वर्तिका में एक डिस्क पाई जाती है, और यह वर्तिका डिस्क के समान होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैपिटेट का सिरा आगे से गोल है और ये आगे से गोल होती है। डिस्कॉइड में डिस्क नुमा भाग लगे हुए होते हैं, वर्तिका अगर डिस्क की तरह लगती है, और ये मैलिया में देखने को मिलती है। फिर तीसरे प्रकार की जो वर्तिका है वो है बाइफिड। बाइफिड वर्तिका, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसकी वर्तिकाग्र दो भागों में विभाजित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी वर्तिकाग्र बीच में से दो भाग, ऊपर का जो इसका सिरा है वो डिवाइडेड है और विभाजित दिखाई देती है, दो भागों में विभक्त दिखाई देती है। यह साल्विया में देखने को मिलती है। चौथे प्रकार की जो वर्तिकाग्र है वो है प्लूमोस। प्लूमोस प्रकार की जो वर्तिकाग्र होती है वो पंख के समान दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि प्लूमोस पंख की जैसी दिखाई दे रही है, और इस तरह की जो वर्तिकाग्र है वो गेहूं में देखने को मिलती है। गेहूं यानी ग्रेमिनी या पोएसी कुल के पादपों में ये देखने को मिलती है। अंतिम और पांचवें प्रकार की जो वर्तिकाग्र है, डंबलाकार या डंबेल शेप्ड, ये जो वर्तिकाग्र है वो डंबल के शेप की होती है, और ये डंबल शेप नुमा होने के कारण इसको डंबेल शेप्ड वर्तिकाग्र कहा जाता है, और इस तरह की वर्तिकाग्र हमें आइपोमिया में देखने को मिलती है। तो आपने जाना कि वर्तिकाग्र 5 प्रकार के होते हैं, रोमुंड यानी कैपिटेट, डिस्कॉइड यानी चक्रिक, दृशाखी बाइफिड, प्लूमोस यानी पंख नुमा, और डंबलाकार जो डंबेल शेप्ड है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के द्वारा बीजान्यास, उसके प्रकार, और वर्तिका, वर्तिका के प्रकार, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र के प्रकारों के बारे में जाना, उनके उदाहरणों के बारे में जाना कि वो किन किन में देखने को मिलते हैं। आपने वीडियो देखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।